अमेरिका के इतिहास के अंदर इस प्रकार की बात कभी नहीं हुई जिस प्रकार की बात इस समय के चुनाव के अंदर चल रही है। एक बड़ा पेच फंस गया है वहां पर और उस पेच को आपको समझना चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक देश हमारा भी है, मगर अमेरिका का जो लोकतंत्र है इंडिया के लोकतंत्र से थोड़ा सा अलग है, उसको भी आप समझ लीजिए। अब इस बात को देखिए कि जो बिडेन के 238 वोट्स हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के पास में 213 वोट हैं। यहां पर जो लाल से दिखा रखे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के और जो ब्लू से दिखा रखे हैं वो जो बिडेन के, और ये भारत के लिए काफी अजीब सी बात हो सकती है कि एक ही जगह के सारे वोट्स जो बिडेन को या फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दे दिए गए हैं। देखिए अमेरिका में क्या होता है, कोई भी स्टेट है जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कोई सा भी स्टेट है, मान लीजिए राजस्थान में टोटल लोकसभा की 25 सीटें हैं। अब इसके अंदर 13 मान लीजिए बीजेपी की आ गई और 12 कांग्रेस की आ गई, तो इसको यह माना जाएगा ज्यादा किसकी आई है, बीजेपी की। तो पूरी की पूरी जो 25 सीटें हैं वो बीजेपी की काउंट कर ली जाएगी, इसलिए हर एक जो स्टेट है उसके अंदर जितने भी वोट्स होते हैं, जितने भी सीट्स होते हैं, वो एक ही आदमी को दे दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो सामने आप देखिए। देखिए यहां पर 238 सीटें जो बिडेन की हैं, डोनाल्ड ट्रंप की 213 है, मगर उनका वोट परसेंटेज कैसा है, तो जो बिडेन के पास में केवल 50.1% वोट है और डोनाल्ड ट्रंप के पास 48.3। यहां पर देखने में ऐसा लग सकता है कि ये शायद ठीक है, मगर अब जो वोट्स आ रहे हैं उसके ऊपर आप नजर डालिए। ये देखिए यहां पर मिशिगन एक स्टेट है, यहां पर 16 वोट जो है किसी न किसी के पाले में जाने वाले हैं और बिडेन के पास में 49.4% वोट है और ट्रंप के पास 49.1% वोट है। यानी कि अगर केवल एक वोट का भी अगर अंतर पड़ जाएगा ट्रंप और डोनाल्ड के, तो ये सारे के सारे मिशिगन वाले ट्रंप के पास में जा सकते हैं या फिर वो बिडेन के पास में जा सकते हैं। ये देखिए अलग अलग समय पर क्या हुआ, 10:48 के ऊपर हम नजर डालते हैं तो 223 वोट थे बिडेन के पास में और डोनाल्ड ट्रंप के पास में 118 ही वोट हुए थे, और उस समय भी आप अगर वोटिंग परसेंटेज के ऊपर नजर डालें तो करीब करीब बराबर ही चल रही थी। उसके 4 मिनट बाद के अंदर दोबारा से जब सिचुएशंस चेंज होती हैं तो आप देखिए कि जो बिडेन के 223 हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 118 से बचके सीधा 145 हो गए हैं, और इसके बाद में 11:06 पे यानी थोड़ी और देर बाद में ये वोट और बढ़कर 174 हो गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी एक स्टेट है जैसे टेक्सास स्टेट होता है, उसके अंदर जो भी जीता उसके सारे के सारे वोट एक ही आदमी को चले जाते हैं। तो शुरुआत वाले जितने वोट्स थे वो जो बिडेन के पास में जाते जा रहे थे और उनको अच्छी लीड मिल गई थी, उनके समर्थकों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह था, मगर जो अलग अलग स्टेट्स के रिजल्ट आने लगे तो उसके अंदर गैप काफी हद तक कम होता चला गया। यहां पर भी एक बड़ी बात हो गई, ये नजर डालिए मिशिगन के ऊपर। मिशिगन के अंदर शुरू में क्या चल रहा था, वहां पर बिडेन के पास में 43.9% थे और ट्रंप के पास 54 थे, यानी कि 16 की 16 जो सीट्स है वो ट्रंप के पाले के अंदर जाती दिखाई दे रही थी, मगर स्थिति काफी बदल गई और ये स्थिति बदल के इस समय कुछ ऐसा हो गया है कि दोनों के दोनों बराबर पहुंच गए हैं। तो ये आखिर हुआ कैसे, और यही पूरी की पूरी जड़ है। देखिए अब आप इस बात को समझिए कि ये जो लीड है, इस लीड का कारण है वहां पर पोस्ट से जो वोट जा रहे हैं। कोरोना की वजह से सबको वहां पर अलाउ किया गया कि आप पोस्ट से अपने पोस्टल बैलेट दे सकते हैं। इंडिया के अंदर पोस्टल बैलेट कैसे दिए जाते हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या कहीं पर ड्यूटी लगी है ऑफिशियली सरकारी तौर पर लगी है तो ही आप इस प्रकार के वोट्स दे सकते हैं, मगर वहां पर कोरोना की वजह से पहली बार वोट दिए गए और इसी के अंदर जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि इन वोट्स के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर हेरफेर हुई है। ट्रंप ने इस बात के ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये वोट पोलिंग के बाद के अंदर डाले हुए पोस्ट करे हुए हैं तो इनको काउंट नहीं करना चाहिए। इस बात के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो पोल्स थे वो तो डाले जा चुके थे और वो आ गए, यानी कि बैलेट्स आ गए हैं, उनकी काउंटिंग हो गई है, मगर काउंटिंग रोक दी गई है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी सुबह के समय, जो इस समय रात चल रही है हमारी वहां पर सुबह चल रही है, सुबह के समय जो नए वोट्स आने वाले हैं, जो कि पोलिंग खत्म हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो गई है, उसके बाद जो वोट्स आ रहे हैं उनको काउंट नहीं किया जाए। इंडिया के अंदर ऐसा ही होता है, मगर वहां पर क्योंकि ये असामान्य सी स्थिति है इसलिए वो ये कह रहे हैं। और इन पोस्टल बैलेट्स के अंदर ही देखा जा रहा है कि 70% से ज्यादा जो पोस्टल बैलेट्स आ रहे हैं वो जो बिडेन के पास में ही पहुंच रहे हैं, और जहां पर स्थिति 44% के आसपास पहुंच गई थी ट्रंप के फेवर में 54% थे, वहीं पर ये पोस्टल बैलेट्स आने के बाद में स्थिति बहुत बुरी तरीके से बदली है, और बदलने के बाद में आप देख सकते हो कि करीब करीब ये बराबर हो चुकी है केवल और केवल इन पोस्टल बैलेट्स के वजह से। इंडिया के अंदर बात को समझना थोड़ा आसान है क्योंकि हमें पता है कि यहां पर क्या क्या होता है। जितनी ज्यादा लोकतंत्र इंडिया के अंदर है, जितनी ज्यादा चीजें यहां पर होती है, वहां पर कहीं और जगह हो ही नहीं सकती। ट्रंप का यह आरोप है जिसको उन्होंने आरोप तौर पर नहीं लगाया है, मगर उनका यह मानना है कि अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर 70% तक जो पोस्टल बैलेट्स आ रहे हैं, और ज्यादातर यह भी और माना जाता है कि ट्रंप के समर्थक जो नेटिव अमेरिकन जो व्हाइट्स हैं वो हैं, जबकि बिडेन
बाइडेन के समर्थक इंडियंस, पाकिस्तान के, चाइना के वगैरह वगैरह अलग अलग जगह के जो माइग्रेंट्स हैं वो ज्यादा हैं। तो ट्रंप का ये कहना है कि ये जो वोट्स आ रहे हैं ये पोलिंग होने के बाद के अंदर कास्ट कराए जा सकते हैं और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि सुबह जब पोलिंग खत्म हो गई है और उसके बाद में काउंटिंग भी शुरू हो गई है, उसके बाद के अंदर नए वोट्स जो आ रहे हैं उनको काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये डिलीवरी है ये बहुत फास्ट होती है। अभी हमने कोई चीज डाली है उसके अगले दिन तक ही पहुंच जाएगी, और अगर ये इतने लेट आ रहे हैं पोल्स तो इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि सारा का सारा नतीजा आने के बाद के अंदर देखा जा सकता है कि किन किन लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, खिलाया पिलाया भी जा सकता है, और इस प्रकार से वहां पर लोकतंत्र को डैमेज किया जा सकता है। लोकतंत्र को डैमेज करना किसी भी देश के लिए, यानी कि वहां के देश को डैमेज करना, तो ये जो समस्या है वहां पर बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के समय की, और ये सिचुएशन पहली बार आई है। इन सब के अंदर देखा जा सकता है कि इंडिया के अंदर भी यही बहस शुरू हुई थी थोड़े समय पहले कि इतनी सारी जो अलग अलग पार्टीज होती हैं, उसके बाद में चुनाव के बाद में गठबंधन होता है, उसके अंदर कहीं पर पावर का इस्तेमाल होता है, कहीं पर पैसे का इस्तेमाल होता है, करप्शन का इस्तेमाल होता है, इस प्रकार की जो बातें हैं उनको हटाने के लिए दो ही पार्टियां बना के उनके बीच के अंदर दो कैंडिडेट का डायरेक्टली इस प्रकार से इलेक्शन होना चाहिए ताकि डायरेक्टली पब्लिक उनको चुन सके। एक बात इसके अंदर और आ जाती है कि जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट के 25 वोट हैं, उसके अंदर 13 और 12, अगर 13 वाले जो वोट्स हैं उन सारे के सारे जो वोट्स हैं उनको 25 मानकर अगर उस स्टेट से रिप्रेजेंटेशन वहां पहुंच जाता है तो लोग कहेंगे कि इसके अंदर ये क्या जरूरत थी। मगर इसका जवाब ये भी आता है कि मान लीजिए फाइनली जब भी कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद में वो तो पूरी कंट्री को डिनोट करता है, यानी कि उस समय भी जो वोट्स हैं आधे वोट्स को अलग से काउंट नहीं करके वो पूरी की पूरी कंट्री का ही प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। तो इस प्रकार की अलग अलग जगह बहस चल रही है, लोकतंत्र को इस बहस के ऊपर पूरा नजर बना के रखना चाहिए ताकि हमारा भी लोकतंत्र मजबूत हो सके, दूसरे देशों से अच्छी बातें हम सीख सकें और हो सकता है कि हमारी बातें उनको कुछ सिखाई जा सके।